प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार सचान शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय से कंप्यूटर विभाग से सहायक प्राध्यापक। पिछली कक्षा में आज हम बीए बीकॉम बीएससी सेकंड ईयर के पहले सब्जेक्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, पिछली कक्षा में हम आईएसपी के बारे में हमने पढ़ा था। आईएसपी का मैंने जैसा कि आपको नाम बताया था कि आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आशा है कि ऐसी कंपनियां या ऐसे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट को उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं उन्हें हम आईएसपी कहते हैं। और आईएसपी के अंतर्गत भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्हें आईएसपी इन इंडिया बोला गया, जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि हमें इंटरनेट सर्विस की सुविधा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था पहला वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, ऐसी विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, बीएसएनएल और है एमटीएनएल। ये विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो आईएसपी की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। और आईएसपी ऐसी कंपनियां या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं उन्हें हम आईएसपी कहा जाता है। और वे सभी कंपनियां जो भारत में इस सुविधा को प्रदान करती हैं उन्हें आईएसपी इन इंडिया कहा जाता है। पिछली कक्षा मैंने आपको बताया था कि अगली कक्षा में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना, इंटर प्लस नेट जो कि विभिन्न कंप्यूटरों का एक आंतरिक जाल होता है, जिसमें विभिन्न कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और इंटरनेट जो है एक वैन, मैंने आपको बताया तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। इंटरनेट जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है, ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, ई कॉमर्स की, है ना। ई कॉमर्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस कॉमर्स, जहाँ ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक से आशय होता है तभी तो मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स जो है जिसमें ई का पूरा नाम क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का मतलब क्या होता है कॉमर्स, माने इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है यहाँ देखिए, और कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार। व्यापार का अर्थ होता है जब किसी वस्तु को एक निश्चित राशि को देते हुए किसी वस्तु को प्राप्त करना या वस्तु की सुविधाओं को प्रयोग करना, उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, या उसे व्यापार कहते हैं। लेकिन जब यही प्रक्रिया हम डिजिटल तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से करने लगते हैं तब इसे हम क्या कहने लगते हैं, ई कॉमर्स, या दूसरे शब्दों में कहें हम कंप्यूटर के माध्यम से व्यापार की प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है। बात करते हैं हम आज के टॉपिक पर, आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। अब बात ये आती है टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेट को किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर के अंतर्गत उपयोग कर सकते हैं, कि हाँ अपने कंप्यूटर के अंतर्गत हम इंटरनेट को कैसे चालू करें या इंटरनेट को कैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा कंप्यूटर के अंतर्गत उपयोग किया जा सकता है। फिर सभी माध्यम टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हम कंप्यूटर के अंतर्गत इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहला कनेक्शन होता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी में, पहला कनेक्शन आता है डायल अप कनेक्शन। अब डायल अप कनेक्शन क्या होता है कि मैंने आपको बताया था आईएसपी के बारे में, तो आईएसपी क्या होते हैं, आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनियां या संगठन जो हमें इंटरनेट सर्विस की सुविधा प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आईएसपी कहते हैं। तो जो भी आईएसपी कंपनियां होती हैं या संगठन होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हमें इंटरनेट उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं, ये संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां एक निश्चित राशि को हमसे प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता से निश्चित राशि को लेते हैं और निश्चित राशि या ली हुई राशि के हिसाब से अलग अलग प्लान उन्हें प्रदान करते हैं। या इन्हें हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कंपनियां जो आईएसपी होती हैं विभिन्न प्रकार के प्लान तैयार करती हैं। जिस प्रकार यदि घरों में इंटरनेट का उपयोग देखा जाए तो इंटरनेट घरों में डाउनलोडिंग या अपलोडिंग की
जो स्पीड रहती है वो कैसी होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, फाइल को डाउनलोड करना या अपलोड करना काफी कम होता है। लेकिन जब यही इंटरनेट का उपयोग किसी व्यवसायिक संगठन में किया जाने लगता है तब वहाँ पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो ये जो ISP होते हैं जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं ISP, तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, यदि आप होम प्लान ले रहे हैं तो होम प्लान के लिए अलग पैसा लेते हैं, यदि आप बिजनेस प्लान ले रहे हैं तो बिजनेस प्लान के लिए अलग राशि लेते हैं और उसी के हिसाब से यह स्पीड को प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी प्लान होते हैं उन प्लानों में क्या होता है कि इंटरनेट को उपयोग करने के लिए हमें कनेक्शन स्थापित करना होता है। कनेक्शन ये पूरा काम कौन करके, ये ISP करके देती है हमें। लेकिन कनेक्शन कौन कौन से कनेक्शन कौन कौन से होते हैं उन्हें हम कनेक्टिविटी के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस प्रकार इंटरनेट को, किस माध्यम से इंटरनेट हमारे कंप्यूटर में चालू होगा। तो उसमें सबसे पहला कनेक्शन होता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डायल अप, यहाँ पे डायल विभिन्न नंबरों को, डायल विभिन्न नंबरों को डायल किया जाता है और डायल करके क्या किया जाता है, कनेक्शन स्थापित किया जाता है। इसमें अगर हम हार्डवेयर की बात करें किसी प्रकार के कनेक्शन को स्थापित करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए टेलीफोन लाइन। एक क्या चाहिए होती है, टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि टेलीफोन लाइन में जो वायर होते हैं, जो लाइन होती है, उस लाइन के माध्यम से सिग्नल्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के डेटा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। दूसरा आता है आपका मॉडेम। मॉडेम को दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, MO+DM, जहां MO का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है, और DM का क्या मतलब होता है, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। दूसरा होता है डीमॉड्यूलेशन, क्योंकि अगर हम विस्तृत रूप से बात करें कि किसी प्रकार की कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन से आता क्या है कि जब सेंडर और ये रिसीवर प्राप्त करने वाला और ये सेंडर भेजने वाला, ये क्या होते हैं, ये नेटवर्क होते हैं। जब सेंडर से कोई डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिट करने के बाद ये क्या होती है, अपनी मॉडेम होती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, किसी प्रकार की जब इंटरनेट के अंतर्गत हम किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर की ओर भेजते हैं, सेंडर कौन होता है, भेजने वाला होता है, और रिसीवर कौन होता है, प्राप्त करने वाला होता है। तो सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन को जब भेजता है तो चूंकि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्यूटर में स्टोर होती है वह बिट एंड बाइट फॉर्मेट में स्टोर रहती है। किस फॉर्मेट में स्टोर रहती है, बिट एंड बाइट फॉर्मेट में स्टोर होती है। क्योंकि बिट एंड बाइट फॉर्मेट में स्टोर किया गया डेटा कभी भी नेटवर्क के अंतर्गत ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, केवल वही डेटा ट्रांसमिट किया जाता है जो डेटा सिग्नल फॉर्मेट में हो। ठीक है, अब चूंकि जो भी कंप्यूटर के अंदर का जो भी डेटा सेव है उस डेटा को हम ट्रांसमिट तो कर नहीं सकते क्योंकि यह बिट एंड बाइट फॉर्मेट में, इसे सिग्नल में चेंज करना होगा। तो ये जो सिग्नल को चेंज करने का काम कौन करता है, यहाँ पे मॉडेम। ठीक है, डेटा को बिट एंड बाइट फॉर्मेट में, डेटा हमारी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर है, उस डेटा को सिग्नल में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मॉडेम का यूज किया जाता है। और मॉडेम जो है वो क्या करती है, सबसे पहले एनालॉग सिग्नल्स को, माने सिस्टम के अंतर्गत जो एनालॉग डेटा है, एनालॉग सिग्नल्स को कहां पे चेंज करती है, डिजिटल सिग्नल में। अब बात यह आती है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ही क्यों चेंज किया जाता है, तो बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, जिसके कारण इनकी स्पीड कैसी होती है, इनकी स्पीड काफी स्लो होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं, इनकी स्पीड कैसी होती है, तेज होती है, ये इस क्रम में होते हैं डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं, क्योंकि नेटवर्क के अंतर्गत डेटा को हमें फास्टली ट्रांसमिट करना होता है, इसलिए मॉडेम क्या करती है, एनालॉग सिग्नल को बाहर चेंज करती है, डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है। डिजिटल सिग्नल की स्पीड कैसी होती है, तेज होती है। अब मॉडेम क्या करती है, मॉडेम दो प्रोसेस को कंप्लीट करती है, एक तो मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन, दूसरा मैंने आपको बताया डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की प्रोसेस क्या होती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज किया जाता है, माने सिस्टम पर जो भी सेंडर है डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो किस प्रकार से रहता है, वह डेटा
एनालॉग सिग्नल के रूप में रहता है, जिसे चेंज करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। मॉडेम क्या करती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देती है, जिससे जो भी डेटा सेंटर एंड से होता है वह सिग्नल फॉर्मेट में चेंज हो जाता है और नेटवर्क में ट्रांसमिट के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार मॉडेम द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी मॉड्यूलेशन कहलाती है, जो कि मैं आपको नीचे बता चुका हूँ। इसके बाद बात आती है ये डेटा जो नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होते होते दूसरे एंड पर जाता है, कहाँ पे, रिसीवर, जिसे हम प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं, जो डेटा को प्राप्त करता है। जैसे ही डेटा रिसीवर के सिस्टम पे पहुंचता है, वहां पे सिस्टम पे पहुंचने से पहले किसको प्राप्त होता है, मॉडेम को प्राप्त होता है। तो मॉडेम बना क्या करती है, ये जो डिजिटल सिग्नल पे ट्रांसमिट हो गया है, डिजिटल सिग्नल को वापस कहां में कन्वर्ट कर देती है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। किस सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, डिजिटल सिग्नल जो ट्रांसमिट होकर आ रहा है उन्हें कन्वर्ट कर दी एनालॉग सिग्नल में। इस प्रकार डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। तो इस प्रकार डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो बात आती है कि सबसे पहले बस मैं कनेक्शन बता रहा था आपको, तो टाइप ऑफ कनेक्टिविटी में इंटरनेट किस प्रकार कंप्यूटर के अंदर स्थापित किया जाता है। नंबर एक है डायलअप कनेक्शन। डायलअप कनेक्शन के अंतर्गत हमें बेसिक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली बात एक टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें ये लाइन की सहायता से हम डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। दूसरा हार्डवेयर हमें चाहिए पड़ेगा मॉडेम। मॉडेम के द्वारा डाटा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ मॉड्यूलेशन से आशय होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना, और डीमॉड्यूलेशन का आशय होता है कि आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना। क्योंकि ये प्रोसेस फ्री होती है कि कोई भी डेटा जो सिग्नल फॉर्मेट में चेंज है, अगर सिग्नल के फॉर्मेट में ही यूजर को मिल जाएगा तो सिग्नल क्या पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। उन्हें वापस टेक्स्ट फॉर्मेट में या इंफॉर्मेशन की फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में होना आवश्यक होता है। तो सिग्नल को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करने का काम फिर से बना मॉडल करती है, जिससे यूजर उस डेटा को पढ़ लेता है या वह डेटा पढ़ने योग्य हो जाता है। तो इन दोनों के माध्यम से डायलअप कनेक्शन स्थापित किया जाता है। डायलअप कनेक्शन की एक निश्चित राशि दी जाती है, और जो भी कंपनियां होती हैं, आईएसपी कंपनियां होती हैं, ये एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करती है। इन यूजर आईडी पासवर्ड को कंप्यूटर के अंतर्गत एक डायलअप कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत डायलअप कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद इंटरनेट ऑप्शन पे जाते हैं, और वहाँ पे लिखा रहता है, एक ऑप्शन लिखा रहता है क्रिएट ए न्यू कनेक्शन। क्रिएट न्यू कनेक्शन में क्लिक करते हैं। वहाँ पर हमसे पूछता है कि किस प्रकार का कनेक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ से हम डायलअप कनेक्शन का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और डायलअप कनेक्शन को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, वह हमसे पूछता है किस कंपनी से, कौन सी कंपनी या कौन सी आईएसपी कंपनी जिसने आपको इंटरनेट सुविधा प्रदान की, उसका नाम को सिलेक्ट करते हैं, और कंपनी द्वारा दिए गए यूजर आईडी पासवर्ड या दिए गए नंबर को हम उस अकाउंट के अंतर्गत डायल करते हैं और कनेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार हम कंप्यूटर के अंतर्गत डायलअप कनेक्शन को क्रिएट करके इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना, ताकि यह इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आगे हम बात करें तो डायलअप कनेक्शन के बाद दूसरा कनेक्शन आता है लीज टाइम कनेक्शन। ठीक है, दूसरा कनेक्शन आता है लीज टाइम कनेक्शन। आगे बात करते हैं लीज टाइम कनेक्शन की। सबसे पहला हमें डायलअप कनेक्शन पढ़ा। डायलअप कनेक्शन में मैंने आपको बताया कि आईएसपी द्वारा विभिन्न प्रकार के यूजर आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं, जिन्हें एक डायलअप कनेक्शन इंटरनेट ऑप्शन के माध्यम से कंट्रोल पैनल के अंतर्गत एक डायलअप कनेक्शन क्रिएट करके कंपनी द्वारा या आईएसपी द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी पासवर्ड को इनपुट करके हम इसको कनेक्ट करके इंटरनेट का उपयोग करते हैं। बात आती है दूसरी लीज टाइम कनेक्शन की। लीज टाइम कनेक्शन कैसी होती है, डेडिकेटेड लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, डेडिकेटेड लाइन होती है। अब यहाँ पे डेडिकेटेड लाइन से मतलब क्या है, यहाँ पे किसी प्रकार का हमें कनेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता। एक स्वतंत्र डिवाइस होती है, आपने पेन ड्राइव देखी होगी, है ना, पेन ड्राइव देखी होगी। पेन ड्राइव नुमा एक संरचना होती है, जिसे हम डाटा कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, डाटा कार्ड। अब हालांकि लीज लाइन कनेक्शन कई कई जगह यूज भी किए जाते हैं, डेडिकेटेड लाइन यूज की जाती है, जो पेन ड्राइव नुमा संरचना होती है ना, जिसे आपने आइडिया का नेट सेटर देखा हो, जिसे लीज लाइन कनेक्शन या डेडिकेटेड, इसको आप नेट सेटर के रूप में भी ले सकते हैं। नेट सेटर, जैसे आइडिया का नेट सेटर देखा था आपने, आइडिया का बीच में एयरटेल दिया है, अगर कुछ दिनों पहले की बात करें तो इस तरह के नेट सेटर का यूज किया जाता था, जिसमें पीछे एक सिम डली होती थी, कि एक डेडिकेटेड लाइन होती थी। डेडिकेटेड का मतलब ये कि कोई भी किसी कार्य के लिए समर्पित डिवाइस को हम डेडिकेटेड लाइन बोलते हैं।
तो इनका काम सिर्फ एक ही रहता था कि ये इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करते थे। तो लीज लाइन कनेक्शन के अंतर्गत विभिन्न आईएसपी में पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, आईएसपी का पूर्ण नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऐसी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आईएसपी कहते हैं। तो लीज लाइन के अंतर्गत हमें एक डेडिकेटेड डिवाइस या नेट शटर का उपयोग किया जाता है। ये नेट शटर डायरेक्ट सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है और सिस्टम में डायरेक्ट कनेक्ट करके कंपनी द्वारा जो भी यूजर आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं वो ऑटोमेटिक रन होते हैं और सिस्टम के अंदर नेट कनेक्ट हो जाता है। तो इन्हें हम डायरेक्टली यूज करते हैं, इसलिए हम इसको डेडिकेटेड डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डीएसएल। अगर तीसरे कनेक्शन की बात करें तो डीएसएल का पूरा नाम होता है डेडिकेटेड सब्सक्राइबर लाइन। अब डेडिकेटेड सब्सक्राइबर लाइन, ये जो डीएसएल होती है, डीएसएल लगभग लीज लाइन कनेक्शन के समान ही होती है। जहां लीज लाइन कनेक्शन के अंतर्गत हम एक पर्टिकुलर डिवाइस का यूज करते हैं, वहीं डीएसएल के अंतर्गत हम एक डेडिकेटेड सब्सक्राइबर लाइन का यूज करते हैं, एक कनेक्शन एक लाइन का यूज करते हैं जिस एक वायर रहता है, वो वायर में कनेक्टिविटी रहती है। उस कनेक्टिविटी को जैसे हम सिस्टम के अंतर्गत इनपुट के रूप में कनेक्ट करते हैं वैसे ही हमारे सिस्टम में इंटरनेट की सुविधा का उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ नेट शटर का उपयोग किया जाता था वहीं पे डीएसएल के अंतर्गत एक सब्सक्राइबर लाइन, डेडिकेटेड सब्सक्राइबर लाइन जो सिर्फ इंटरनेट के उपयोग की जाती है उस लाइन का यूज करते हैं। जैसे ही वह लाइन सिस्टम के अंतर्गत कनेक्ट की जाती है वैसे ही हमारे सिस्टम के अंतर्गत इंटरनेट चालू हो जाता है। अभी बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कनेक्शन, उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन वर्तमान में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। इस इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के वेबसाइट और होम सब्सक्रिप्शन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। इसमें जो डेटा ट्रांसफर की और डेटा प्राप्त करने की ना डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड काफी तेज होती है। इस कनेक्शन के अंतर्गत यह कनेक्शन सबसे अधिक यूज किया जाता है। इस कनेक्शन के अंतर्गत जो भी कनेक्शन स्थापित किया जाता है उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जरूरत होती है सबसे पहले फोन लाइन की, दूसरी जरूरत होती है हमें मॉडेम की, तीसरी जरूरत होती है हमें कनेक्शन की, या हमें इसका सेटअप कनेक्शन करना पड़ता है। ब्रॉडबैंड का सेटअप कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर एक कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इंटरनेट ऑप्शन पे कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात क्रिएट न्यू कनेक्शन बटन पर क्लिक करते हैं और इसके पश्चात ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और जैसे हम ब्रॉडबैंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने एक सेटअप बॉक्स आ जाता है। उस सेटअप बॉक्स में जो भी कंपनी जिसके द्वारा हम ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उसका आईएसपी, उसे हम आईएसपी बोलते हैं या आईएसपी भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ सभी कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने की सुविधा देती हैं उन्हें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो ऐसे आईएसपी हमें क्या करते हैं, अपना नाम प्रोवाइड करते हैं जो उस सेटअप बॉक्स से, हम क्या करते हैं उस सेटअप बॉक्स से उस कंपनी का नाम सिलेक्ट करते हैं। नाम सेलेक्ट करने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए यूजर नेम एवं पासवर्ड को इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद क्रिएट कनेक्शन, जो भी क्रिएट कनेक्शन का पूरा सेटअप है उसे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अंत में सभी प्रोसेस को पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्रिएट होने के पश्चात कंपनी द्वारा दिए गए यूजर आईडी पासवर्ड को इनपुट करते हैं और कनेक्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सिस्टम के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करते हैं। अंत में टाइप ऑफ कनेक्टिविटी के अंतर्गत अगला टॉपिक है, अगला टाइप आता है आपका रीसेट। रीसेट का पूरा नाम क्या होता है, रीसेट का पूरा नाम होता है वेरी वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। यह एक सब स्टेशन या भूमिगत स्टेशन टाइप से होता है, सब स्टेशन होता है जो कि सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को प्राप्त करता है और सिग्नल्स को भेजा जाता है। इसे भूमिगत स्टेशन के रूप में या भूमिगत सैटेलाइट के रूप में भी हम जान जाता है। यह एक प्रकार के प्राइवेट कनेक्शन, यह एक प्रकार के प्राइवेट कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े जो संगठन होते हैं ये क्या करते हैं,
वैश्विक स्तर पर या व्यावसायिक विस्तारित रूप से देखा जाए तो ये इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं, लेकिन कई कंपनियां इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर नहीं मानती। वह ये चाहती हैं कि हमारा खुद का प्राइवेट एक इंटरनेट कनेक्शन हो जिसमें प्राइवेसी ज्यादा हो, तब ऐसी कंपनियां खुद का स्वयं का इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करती हैं। उस स्वयं के इंटरनेट कनेक्शन को वीसेट के रूप में हम जाना जाता है, जिसे वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक का सिस्टम एक छोटे से सैटेलाइट या एक छोटे से एंटीना या टर्मिनल के माध्यम से डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और स्वयं का इंटरनेट एक स्वयं का एनवायरनमेंट या इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करते हुए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी खत्म होता है। अगली कक्षा में हम मेथड ऑफ शेयरिंग इंटरकनेक्शन अगली कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार इंटरनेट को हम विभिन्न कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम होगा मेथड ऑफ शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन या इंटरकनेक्शन। इसके अंतर्गत हम चार मेथड पढ़ेंगे। नंबर एक होता है इंटरकॉम, नंबर दो होता है वाईफाई, नंबर थ्री होता है टोपोलॉजी और नंबर चार होता है प्रॉक्सी सर्वर। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।